नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर के शेरकोट के मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद शेरकोट में बीती रात सालाना जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से बुजुर्ग हजरात उलेमा व किरामे तशरीफ लाए। शहर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में होने वाले सालाना जलसे में प्रोग्राम का आगाज कारी हसीबुर रहमान मानियावाला की तिलावत से हुआ। काठ मुरादाबाद से तशरीफ लाए मौलाना मोहम्मद यामीन कासमी ने बयान करते हुए फरमाया कि हम सबको दीन पर चलने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए। इसके बाद मुख्य अतिथि के तौर पर तशरीफ लाए कारी नौशाद आलम की तिलावत पाक और सदरे जलसा मौलाना मुफ्ती उवैश अकरम सदर जमीयत उलमाए हिंद बिजनौर का सदारती खिताब हुआ, जिसमें मदरसों की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इसी के साथ 2024 की नई तालीमी पॉलिसी के मंसूबों से कौम को आगाह किया गया। मदरसे में हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने वाले 12 बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई, जिसमें हाफिज गुलजार वाजिदपुर, हाफिज मेहरबान शहजादपुर, हाफिज आसिम कोतवाली, हाफिज मोहम्मदुल्लाह खान देवबंद, हाफिज आतिफ, हाफिज शादाब, हाफिज अशर, हाफिज सुहेल, हाफिज मिसबाह, हाफिज हमजा, हाफिज साहिल व हाफिज हुजैफ शेरकोट शामिल रहे। इसके बाद सदर मुदर्रिस और नाजिम आला मदरसा मुफ्ती जकी एजाज खान कासमी देवबंदी ने सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसमें एक बच्चे का सुबह से शाम तक पूरा कुरान हिफ्ज सुनाने का खास तौर पर जिक्र किया गया। अंत में मेहमान मुकर्रम मुफ्ती अब्दुल गफूर कासमी संभली के अहम खिताब और दुआ पर जलसा खत्म हुआ। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शहरवासियों के साथ साथ काली शहजाद, मुफ्ती दानिश, मौलाना अफरोज, हाफिज जमशेद, मास्टर जुनैद, समाजसेवी गुफरान राजा, सलमान, काजी शमीम, अफसर खान, मास्टर नजाकत, अजहर अहमद, डॉक्टर शाहनवाज, अनीस खान, मुशर्रफ अहमद, छोटे खान, कारी नसीम, आदिल खान, नौशाद अहमद, मोहम्मद कासिम, शहर काजी मुफ्ती जकी ने आने वाले तमाम इमामों और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।